हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सत्वीर यादव। आज हम पढ़ेंगे 6 जुलाई की करंट अफेयर। ठीक है, डेली की तरह हमारा वही रहेगा। शुरू के क्वेश्चन आपके रिवीजन के तौर पर हैं, उसके बाद दूसरा पोर्शन आपका करंट अफेयर के हैं, और तीसरा इसमें पोर्शन रहेगा वो आपका स्टैटिक का रहेगा। ठीक है, जो जीके और जीएस से संबंधित जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपका जो पहला जो पोर्शन है रिवीजन के तौर पर है, और उम्मीद करता हूँ इसमें आपको क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, और वीडियो जो है लास्ट तक देखना। इसमें सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका इंपॉर्टेंट ना हो। मेरी बस यही कोशिश रहती है कि मैं आपको सर्वश्रेष्ठ जो आपका, ठीक है, देने की कोशिश करूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था, ग्लोबल आयुर्वेद सम्मेलन 2023 किस राज्य में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, यानी मैं पहले आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बाद में इसके आंसर बताऊंगा। ठीक है ना, किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर चित्रित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला रीडिंग लाउंज किस हवाई अड्डे पर बनाया गया है। चौथा क्वेश्चन है, छठवा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन है, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक किसने लिखी है। छठवा क्वेश्चन है, राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। आठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ बनाया जाएगा। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। दसवां क्वेश्चन है, चक्रवात मोर्चा जो आया था बंगाल की खाड़ी में, उसका नामकरण किसने किया था, यानी किस देश ने किया था। ग्यारहवां क्वेश्चन है, क्लाइमेट क्लब पहल किसने शुरू की है। बारहवां क्वेश्चन है, 42वां आसियान सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा। तेरहवां क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू पुस्तक किसने लिखी है। चौदहवां क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। और पंद्रहवां क्वेश्चन है आपका, जल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आपको 10 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, समझे कि नहीं। क्योंकि जब तक आप 10 क्वेश्चन के आंसर 15 में से नहीं दोगे करंट अफेयर के, तब के लिए आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो चलो मैं अब इसके आंसर आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन था, ग्लोबल आयुर्वेद सम्मेलन 2023 किस राज्य में हुआ। तो इसका आंसर था आपका केरल। तो ये केरल में हुआ था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर चित्रित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण जो थी, इनको चित्रित किया गया था आपका टाइम पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर। टाइम पत्रिका कहाँ की है आपकी, अमेरिका की वाणिज्यिक पत्रिका है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन था कि भारत का पहला रीडिंग लाउंज किस हवाई अड्डे पर बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वाराणसी। तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री नाम से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहीं पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना। और ये वाराणसी जो है, ठीक है ना, जो वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और वाराणसी जो आपका कैंट है, इसको भारत का पहला फाइव स्टार जो है ईट राइट रेलवे स्टेशन भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना फसाई के द्वारा। चौथा क्वेश्चन था कि छठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ होगा। तो ये बांग्लादेश में होगा। कहाँ होगा, बांग्लादेश में। तो ये सम्मेलन आपका बांग्लादेश में होगा। अगला क्वेश्चन था, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक किसने लिखी है। तो ये फिरोज वरुण गांधी ने लिखी है। ठीक है, फिरोज वरुण गांधी। तो फिरोज वरुण गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, द इंडियन मेट्रोपोलिस। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में पूछ ली गई है आपकी, ध्यान रखना। ये आपका शायद पीसीएस प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पंजाब। तो पंजाब ने जो है राइट टू वॉक को लागू किया है, और ये पहला ऐसा राज्य बना है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये आपका विरासत केंद्र जो है ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला, यानी भारतीय वायुसेना का पहला आपका विरासत केंद्र है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ललितपुर। तो ललितपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर आपका जो है उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क बनाया जाएगा। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, कौन सा, ललितपुर। और ललितपुर में आपका यूरेनियम भी निकाला जाता है, यूपी में यूरेनियम केवल आपका ललितपुर से ही निकाला जाता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन था, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। तो ये बना आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन था, चक्रवात मोर्चा का नामकरण किस देश ने किया है। तो ये नामकरण किया था यमन ने। ठीक है ना, यमन। और ये चक्रवात मोर्चा कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में। और एक चक्रवात और ध्यान रखना, बिपरजॉय। ठीक है, बिपरजॉय। तो बिपरजॉय चक्रवात कहाँ आया था, ये अरब सागर में आया था, गुजरात से टकराया था। ठीक है ना, इसका नाम बिपरजॉय किसने लिखा, तो ये रखा था आपका बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने इसका नाम क्या रखा, बिपरजॉय। तो अरब सागर में बिपरजॉय आया था,
और मोचा नाम का चक्रवात कहाँ आया था, ये बंगाल की खाड़ी में आया था जो म्यांमार की तरफ चला गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लाइमेट क्लब पहल किसने शुरू की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका G7। तो G7 के द्वारा ये पहल शुरू की गई थी, और G7 2023 का हुआ था, तो ये जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ था, ठीक है। अगला जो G20 हो सॉरी G7 जो अगला होगा ना 2024 वाला, ये कहाँ होगा, तो ये आपका इटली में होगा, कहाँ होगा, इटली में होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्लाइमेट क्लब में भारत भी शामिल हुआ है, फिलहाल में ध्यान रखना भारत भी इसमें शामिल हुआ है, किसमें, क्लाइमेट क्लब में, जो G7 के द्वारा शुरू की गई पहल थी। अगला क्वेश्चन है, 42वां आसियान सम्मेलन किस देश में होगा, तो ये सम्मेलन आपका इंडोनेशिया में होगा, कहाँ होगा, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया जो है उसमें आपका ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन था, द्रौपदी मुर्मू पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक आपकी लिखी है कस्तूरी रॉय ने, किसने लिखी है, कस्तूरी रॉय ने, तो कस्तूरी रॉय ने ये पुस्तक लिखी है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो ये हैं आपकी 16वीं नंबर की, तो 16वीं राष्ट्रपति हैं भारत की। और ये किस जनजाति से संबंधित है, ये आपका संथाल, तो संथाल जनजाति जो है ये आपका उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, तो इन राज्यों में ये जनजाति निवास करती है, तो वहाँ से संबंधित हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो है इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका उड़ीसा से है, ठीक है, लेकिन ये झारखंड की राज्यपाल थी राष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है, तो ये उत्तराखंड सरकार सॉरी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि जो पर्यटन क्षेत्र हैं वहाँ पर आपकी गंदगी कम से कम हो, तो उनको साफ स्वच्छ रखा जाएगा ऑपरेशन मर्यादा के तहत। 15वां क्वेश्चन था, जल बजट पेश करने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो कौन सा था, तो वो आपका केरल था, ठीक है। जल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, केरल था। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि जल मेट्रो किस राज्य में शुरू की गई थी भारत की पहली, केरल में की गई थी। भारत का पहला डिजिटल जो राज्य है बैंकिंग के क्षेत्र में, यानी पूर्णतः आपकी बैंकिंग सेवा डिजिटल हो चुकी है, वो कहाँ पर है आपका, वो भी आपका केरल ही है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का संविधान साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो भी आपका केरल ही है, ठीक है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड योजना जो है, प्लेग्राउंड योजना, वो किस राज्य ने शुरू की है, तो वो भी आपकी केरल ने ही शुरू की है, तो ये पॉइंट आपको केरल से ध्यान रखने हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको कम से कम 10 इसमें आंसर आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं आपका डेली करंट अफेयर, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये मंदिर आपका ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात या डी उड़ीसा, तो इसका सही आंसर होगा आपका बिहार, तो ये मंदिर आपका बिहार में बनाया जाएगा। और ये मंदिर जो है अंकुर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, तो उससे भी बड़ा मंदिर बताया जाता है, ठीक है, रामायण मंदिर, तो ये ध्यान रखना कहाँ बनाया जाएगा आपका, बिहार में बनाया जाएगा, ठीक है। बिहार में एक मधुबनी पेंटिंग जो है बड़ी फेमस है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। बिहार में अगर पूछा जाए कि बिहार में गोदना, गोदना एक कला है, वो भी आपकी बिहार की फेमस है। उसके अलावा बिहार में एक आपका त्यौहार मनाया जाता है जिसे बोलते हैं छठ पूजा, तो छठ पूजा जो है ये आपका सूर्यदेवी सावित्री से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा, ए मतलब पहला दो 120, दूसरा 125, तीसरा 127 या चौथा 130, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, 127वीं रैंक है भारत की। और इसमें आपका अगर पूछा जाए पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे हो जाएगा आपका आइसलैंड, क्या हो जाएगा, आइसलैंड जो है पहले नंबर पे है रैंकिंग में, और दूसरे नंबर पे कौन है, नॉर्वे है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी आपको दो तीन रैंकिंग बतानी है, मुझको बतानी है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ मुझे कि भारत जो है विश्व खुशी सूचकांक जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया था ना, उसमें भारत की रैंक क्या है, ये आपको कमेंट मुझे बतानी है। अगर ये पूछा जाए मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, ये भी आपको मुझे कमेंट में ही बताना है, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का विश्व प्रेस जो आपका स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की क्या रैंक है, ये भी मुझे कमेंट करके आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, पहला वियना था, दूसरा पेरिस, तीसरा दुबई या चौथा सिंगापुर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वियना। तो वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। और भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में आपका दिल्ली है, यानी नई दिल्ली, और दूसरा हो जाएगा मुंबई, तो ये भारत में है सबसे रहने योग्य शहर, ठीक है, अच्छे सबसे अच्छे शहर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा, तो पहला है IIT बॉम्बे, दूसरा है IIT दिल्ली, तीसरा है IIT मद्रास या चौथा है IIT हैदराबाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे जो पहले नंबर पर है, ठीक है ना, और दुनिया में जो है वो अमेरिका का
मैसाचुसेट्स, ठीक है, सेट्स। तो ये जो है ये दुनिया में पहले नंबर पे है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन था आपका ग्लोबल स्टार्टअप रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा। तो पहला है सूरत, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा है आपका हैदराबाद और चौथा है मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर। तो बेंगलोर जो था ये आपका प्रथम स्थान पर रहा था, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कौन सा था आपका, बेंगलोर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्टार्टअप 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो पहला आगरा, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा भोपाल या चौथा उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसको गुरुग्राम में आयोजित किया गया है, ठीक है, स्टार्टअप 20 सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। तो केवल आपके क्वेश्चन इतने ही थे करंट अफेयर में, ठीक है। अब थोड़ी वीडियो में छोटी बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है आपकी 30 या 35 मिनट की, ठीक है ना। चलो देखते हैं अब आपका जो है स्टैटिक के क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको ठीक है क्वेश्चन पढ़ने में आनंद भी आएगा, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप आपका आंसर दोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा इसमें, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो पढ़ के सुनाता हूँ। पहला, कौन सी पवन इटली में रक्त वर्षा करती है। दूसरा क्वेश्चन है, मोरक्को और स्पेन के बीच कौन सी जल संधि है। तीसरा क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन देशों के बीच सीमा बनाती है। चौथा क्वेश्चन है, अफ्रीका की किस नदी को तील नदी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, श्वेत नील किस झील से निकलती है। छठवा क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा चलती है। सातवां क्वेश्चन है, मसाई जनजाति किस देश में निवास करती है, ठीक है ना, जो अफ्रीका में है। आठवां क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है, और ये कहाँ पर है। नौवां क्वेश्चन है, डॉक्टर बिंड किस तट पर चलती है, अफ्रीका में चलती है, किस तट पर चलती है ये बताना है आपको। और डॉक्टर बिंड जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है ये भी बताना है, ठीक है ना। कालाहारी मरुस्थल किस जलधारा के प्रभाव में आकर बना है। कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका में है वो किस जलधारा के प्रभाव में आकर बना है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी जनजाति पेड़ों पर अपने घर बनाकर रहती है। 13वां क्वेश्चन है, टाउ बिकॉल नाम की पर्वत चोटी जो है, पर्वत शिखर जो है वो किस देश में है, और ये एटलस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। 14वां क्वेश्चन है आपका, खमसे नाम की पवन किस देश में चलती है। और 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तो आ रहे होंगे। अगर 10 नहीं आ रहे तो यार कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि यार जीएस है, जीएस में कम से कम यार 10 क्वेश्चन तो बनते हैं थोड़ी मेहनत की जाए तो, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि जीएस याद नहीं होती है, वो सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। अपने दिमाग की केवल वो होती है, अपने दिमाग में अगर बना लेंगे, जीएस कठिन है तो कठिन है, मैथ कठिन है तो कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो केवल हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था, कौन सी पवन इटली में रक्त वर्षा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराको, ठीक है ना। तो सिराको एक गर्म पवन है जो सहारा मरुस्थल में चलती है, और जब ये भूमध्य सागर को क्रॉस करके यूरोप में जाती है तो इटली में जो है ये लाल रंग का रेत बरसाती है वर्षा के साथ, जिसे बोलते हैं रक्त वर्षा। तो सिरोको नाम की पवन कहाँ चलती है, सारा मरुस्थल में, गर्म पवन है जो इटली में रक्त वर्षा करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी जल संधि है। तो स्पेन जो मोरक्को के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है जिब्राल्टर, ठीक है ना, जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये स्पेन मोरक्को के बीच में है, जोड़ती किसे है, तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, कौन सी, जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर जल संधि को बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी या की बोला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया झील किन देशों के बीच सीमा बनाती है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, कौन सी, विक्टोरिया झील। ये 3 देशों के बीच सीमा बनाती है, एक आपका युगांडा, एक हो जाएगा आपका कौन सा है, युगांडा, ठीक है, युगांडा। तो युगांडा हो गया, दूसरा जो है आपका केन्या है, ठीक है, तीसरा है तंजानिया। तो तीसरा आपका तंजानिया है, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीनों के बीच में आपकी सीमा बनाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, अफ्रीका की किस नदी को तील नदी कहते हैं। तो अफ्रीका की एक नदी है, इसका नाम है नाइजर नदी। क्या नाम है, नाइजर नदी। और नाइजर नदी जो है ये गिनी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, जिसे हम बोलते हैं तेल नदी, क्योंकि इसकी घाटी से तेल निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, श्वेत नील किस झील से निकलती है। तो श्वेत नील जो है ये ताना झील से निकलती है, इथियोपिया में है, ठीक है ना। व्हाइट आपकी जो नील है, तो नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है जो अफ्रीका में है, ठीक है। नील आपकी एक तो बनती है श्वेत नील, एक आपकी है नीली नील। तो नीली नील और श्वेत नील इन दोनों से बन के, मतलब मिलकर बनने वाली जो नदी है वो कौन सी है आपकी, नील नदी। और नील नदी जो है ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है, कौन सी, नील नदी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा चलती है? दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर, यानी ये आपका दक्षिण अफ्रीका है तो ये पूर्वी तट है, तो यहाँ पर जो जलधारा चलती है इसका नाम है अगुलहास। अगुलहास, अगुलहास जो है हिंद महासागर में चलने वाली एक गर्म जलधारा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा गया है, ठीक है, कौन सी है? अगुलहास, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन था, मसाई जनजाति किस देश में निवास करती है? तो मसाई जनजाति जो है ये केन्या में रहती है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है केन्या, तो वहाँ पर आपकी मसाई जनजाति पाई जाती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है किलीमंजारो, ठीक है, किलीमंजारो, और किलीमंजारो जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी ध्यान रखना है, ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है, और ये आपका कहाँ पड़ेगा? किलीमंजारो पड़ेगा तंजानिया में, ठीक है, तंजानिया जो कहाँ पड़ता है आपका? अफ्रीका में ही पड़ता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बिंड जो है ये किस तट पर चलने वाली एक पवन है? तो डॉक्टर बिंड जो बिंड है ये गिनी के तट पर चलती है, गिनी का जो तट है, ठीक है ना, वहाँ पर चलती है, और इसे हम वहाँ पर डॉक्टर बिंड बोलते हैं, और वैसे इसका नाम है हर मट्टम, ठीक है, हर मट्टम। तो ये आपकी पवन कैसी है? गर्म और शुष्क पवन है, जब ये गिनी के तट पर चलती है तब इसको डॉक्टर बिंड कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी शुष्क पवन है कि बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है, क्योंकि वहाँ पर ये आर्द्रता खत्म कर देती है। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस जलधारा के प्रभाव में आकर बना है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका के पश्चिम में है, ध्यान रखना, और ये बोत्सवाना में है, ठीक है ना, और कालाहारी मरुस्थल जो बना है एक ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में चलती है, जिसका नाम है आपका बेंगुएला, ठीक है, बेंगुएला। तो बेंगुएला की जलधारा जो है ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है, और इससे आपका कालाहारी मरुस्थल बना है। और जो सहारा मरुस्थल जो बना है वो किसके प्रभाव के कारण बना है? तो बना है आपका कनारी की धारा, और कनारी की धारा कैसी है? ये भी आपकी ठंडी है, तो इस जलधारा के कारण कौन सा मरुस्थल बना है? आपका सहारा का मरुस्थल बना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। तो अफ्रीका की कौन सी नदी है? तो अफ्रीका की है कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा को दो बार काटेगी, कांगो, या इसका प्राचीन नाम है जायरे। तो ये नदी जो है अफ्रीका को, मतलब अफ्रीका में भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। अफ्रीका में एक नदी और बहती है, उसका नाम है लिम्पोपो, और लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को दो बार काटती है, ठीक है ना। और एक आपकी अर्जेंटीना की बरमेजो नदी है, बरमेजो, और बरमेजो नदी जो है ये मकर रेखा को तीन बार काटती है। और भारत में जो माही नदी है ना, भारत में जो माही नदी है, ये माही नदी जो है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका की कौन सी जनजाति पेड़ों पर अपने घर बनाकर रहती है? तो इसमें आपकी एक जनजाति है, इसका नाम है पिग्मी जनजाति, जो कांगो नदी बेसिन में निवास करती है, और ये पेड़ों पर अपने मकान बना के रहती है, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, टाऊ बिकोल नाम का पर्वत शिखर जो है ये किस देश में है? तो ये मोरक्को में पड़ेगा, ठीक है, मोरक्को में, और मोरक्को में ये पर्वत है टाऊ बिकोल। किसका सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ये आपका एटलस पर्वत जो है उसका सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा? टाऊ बिकोल। और मोरक्को जो है ये अफ्रीका का देश है, और मोरक्को का एक यात्री था, इसका नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो था ये भारत आया था 1333 में, तो ये क्वेश्चन में डेट ध्यान रखना, कहाँ का था, कब आया था, किसके दरबार में आया था, इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, तुगलक, तो ये आपका दिल्ली सल्तनत का शासक था, ठीक है, इसके समय इब्न बतूता भारत आया था, इसको इसने दिल्ली का काजी भी बनाया था। कब आया था? 1333 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि खमसिन नाम की पवन कहाँ चलती है? तो खमसिन नाम की जो पवन है मिस्र में चलती है, ये है सिराको ही, लेकिन मिस्र में से खमसिन बोलते हैं, लीबिया में से आपकी गिबली बोलते हैं, ठीक है, लीबिया में क्या बोलते हैं? गिबली बोलते हैं। तो इस तरीके से कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मालागासी या मेडागास्कर, ठीक है, मालागासी या फिर आपका क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। और मेडागास्कर जो ये कहाँ पर है? तो ये आपका हिंद महासागर में है, तो ये भी ध्यान रखना है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप भी है। और यहाँ पर वनीला की खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है? वनीला की खेती की जाती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो था 5 जुलाई का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, बाय।